हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल आशा का किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ आम के पनिया अचार का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 5 किलो कच्चा आम लिया है, जिसे धोकर काट लिया है और 2 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लिया है। अब इसमें हम 1 किलो नमक डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। यहाँ पर नमक हम नॉर्मल नमक यूज करेंगे, लाइट नमक यूज नहीं करना है। उसके बाद 100 ग्राम हल्दी पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे। फिर 5 चम्मच हींग लेंगे और इसे मिला लेंगे। हींग से अचार का स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है और यह पाचन में भी मदद करता है। उसके बाद 150 ग्राम हम कुटी हुई तीखी लाल मिर्च मिला लेंगे। फिर 4 चम्मच के करीब कलौंजी मिलाएंगे। और 8 चम्मच अजवाइन मिला देंगे। इन सब को मिलाने के बाद ये मैंने 250 ग्राम काला सरसों लिया है, जिसे दरदरा पीस लिया है और इन सबको मिला लेंगे। यहाँ पर हम पीला सरसों यूज नहीं करेंगे, इससे अचार का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, तो काला सरसों ही यूज करना है। आठ चम्मच के करीब साबुत सौंफ हमें मिला देना है। और 3 से 4 चम्मच सौंफ हम कुटी हुई मिलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा कूट लेंगे इसे, जिससे कि इस अचार में स्वाद अच्छा आएगा। और अब हम इसे मिला लेंगे। इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिलाएंगे, ताकि नमक और मसाले मिल जाएं अच्छे से। अब हम इसमें 250 ml सरसों का तेल डाल देंगे। उसके बाद सबको अच्छे से मिलाएंगे।
इस अचार को पकाने के लिए हमें 15 से 20 दिन तक इसे डेली धूप में डालना पड़ता है और बनने के बाद हम इसे 4 से 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए अचार को अच्छे से मिला रहे हैं। इसे तब तक मिलाना है जब तक कि अच्छे से पूरा मिक्स ना हो जाए नमक के साथ। और इस अचार को बनाने के लिए हमें याद रखना होगा कि आम बिल्कुल खट्टा लेना है, थोड़ा भी पका आम हमें यूज नहीं करना है। अब हम इसे कांच की बरनी में डाल देंगे। और इसे मिलाने के लिए हम हमेशा लकड़ी का ही चम्मच यूज करेंगे। ये सारा अचार मैंने बर्नी में डाल दिया है और ढक्कन अब बंद कर देंगे। अगर आपको मेरी अचार की ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।